कि अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा रैंक हासिल करूं, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे पहला रैंक पहले अटेम्प्ट में कैसे आ सकता है, अगर ऐसा भाव मन में है आपके, तो एक बात और समझ लीजिए कि आपको 8 मिनट में 200 शब्द नहीं, आपको 8 मिनट में लगभग 225 शब्दों की एवरेज लानी पड़ेगी। 225, 230, 240 लगभग ये स्थिति आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको 240 कर दूं, जो कि शानदार एवरेज हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट में 30 शब्द लिखने की स्थिति आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कितना सिंपल है, 8 मिनट में 240, तो एक मिनट में 30 शब्द लिखने हैं आपको, सो सिंपल। अब करना ये है कि आप जब घर जाएंगे या रूम पे जाएंगे, आज लिख के देखिएगा, वो हंसी आ रही है ना जोर जोर से, आज घर जाके लिख के देखिएगा। कैसे लिखेंगे, आपके मोबाइल फोन में स्टॉप वॉच का ऑप्शन तो होगा ही होगा, है ना, और स्टॉप वॉच लगा लीजिए और लिखिए। लिखना ऐसे टॉपिक पे जिसमें सोचने की जरूरत ना पड़े आपको, केवल राइटिंग स्पीड देखनी है, सोचने का मामला नहीं होना चाहिए। तो ऐसा टॉपिक क्या हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने बारे में लिखिए, अपनी जिंदगी के बारे में, मेरी कहानी। पहले 5 मिनट सोच लीजिए कौन कौन सी बातें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है। जब दिमाग में क्लियर हो जाए, तब स्टॉप वॉच शुरू कीजिए, खटाक से लिखिए उसको 5 मिनट में। और जिनको अपने से ज्यादा रुचि दूसरों में है, वो दूसरों की कहानी लिखने है कि उसकी कहानी, ऐसा कुछ करके लिखने देखिए उसको, है ना। करना ये है कि आपको 8 मिनट का टाइमर लगा लेना है, और 8 मिनट के बाद देखना है कि शब्द 240 हुए या नहीं हुए। मेरा अनुमान है कि अभी वो 150 के आसपास होंगे लगभग एवरेज, किसी किसी के ज्यादा हो सकते हैं, 175, 180, 190 हो सकते हैं। आमतौर पे 150 से ज्यादा लिखना मुश्किल लगेगा,